हेलो बच्चों, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम विषय हिंदी व्याकरण में टॉपिक पढ़ेंगे समास, और इसके भेद के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम समास और इसके भेद के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम समास की परिभाषा देखेंगे और समास को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास जैसे सम होता है उपसर्ग यानी कि जोड़ना, और अस होता है धातु यानी कि होना। जब दो या दो से अधिक शब्द जोड़े जाएं तो इसे समास कहते हैं। जब दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। अब हम समास के प्रकार के बारे में जानेंगे कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, एक होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा होता है बहुव्रीहि समास, चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, और छठा होता है अव्ययी भाव समास। तो ये समास के छह भेद हैं। अब हम इन छह भेदों को एक-एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तो जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद के साथ लगे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि इस समास में उत्तर पद तो होता है प्रधान, और पूर्व पद के साथ में जो कारक चिन्ह लगे होते हैं उसका लोप हो जाता है। अब देखिए, तत्पुरुष समास के भी छह भेद होते हैं। करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो बच्चों, इन तत्पुरुष समास के प्रकारों के बारे में भी हम एक-एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम कर्म तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। जहाँ को विभक्ति का लोप हो जाता है उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, अब देखिए समस्त पद में है विदेशगत। अब जब हम इस विदेशगत का विग्रह करेंगे तो आएगा विदेश को गया हुआ। तो देखिए जी, यहाँ पे जो को विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। जैसे हो गया विदेशगत, इसमें और नहीं को नहीं है यानी इसका लोप हो गया। ऐसे ही आगे देखिए शरणागत, शरणागत में जैसे शरण को आया हुआ, तो यहाँ पर भी जो को है वो विभक्ति का लोप हुआ है। माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला, तो देखिए इन तीनों उदाहरण में को विभक्ति का लोप हुआ है। विदेशगत, शरणागत और माखन चोर, यानी कि जिस समास में को विभक्ति का लोप हो जाता है वो करम तत्पुरुष समास कहलाता है। आगे देखिए करण तत्पुरुष समास, यानी जहाँ से के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी करण तत्पुरुष समास में से और के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे हम देखते हैं विग्रह करके हस्तलिखित, तो देखिए यहाँ पे लिखा है हाथ से लिखी हुई, तो यहाँ पर जो है से विभक्ति है तो इसका यहाँ पर लोप हुआ है, यानी ये हो गया हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई। आगे देखिए मनगढ़ंत यानी मन द्वारा गढ़ा हुआ, तो बच्चों यहाँ देखिए द्वारा जो है वो विभक्ति का यहाँ पे लोप हुआ है, यानी ये हो गया मनगढ़ंत। आगे देखिए रेल यात्रा यानी रेल द्वारा यात्रा, तो यहाँ पे द्वारा जो है वो विभक्ति का लोप हुआ है। तो जहाँ पे से और के द्वारा विभक्ति का लोप होता है वो करण तत्पुरुष समास कहलाता है। आगे देखते हैं हम संप्रदान तत्पुरुष समास। अब देखिए इस तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति का लोप होता है,
जैसे दान पात्र, तो दान के लिए पात्र, तो यहाँ पे देखिए के लिए विभक्ति है, तो इसका लोप हुआ है, तो ये हो गया दान पात्र। देश प्रेम, अब देश प्रेम का हम विग्रह करेंगे तो होगा देश के लिए प्रेम, तो यहाँ पर देखिए के लिए विभक्ति का लोप हुआ है, यानी ये हो गया देश प्रेम। स्नान घर, नहाने के लिए घर, तो यहाँ पे तीनों उदाहरण में के लिए विभक्ति का लोप हुआ है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। आगे देखिए अपादान तत्पुरुष समास, अब इस समास में जहाँ से अलग होने का भाव विभक्ति का लोप होता है वो अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे हम इसको समझेंगे समस्त पद में धनहीन, यानी धन से हीन, अब यहाँ पे अलग हो रहा है, धन से अलग हो रहा है वो, यानी धन से हीन, तो यहाँ पे से विभक्ति का लोप हो रहा है। ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त, यानी ऋण से वो अलग हो रहा है, दूर हो रहा है, यानी ऋण से मुक्त, तो यहाँ पे भी से विभक्ति का लोप हो रहा है। प्रदूषण रहित, तो यहाँ पे प्रदूषण से रहित, तो देखिए यहाँ पे भी अलग हो रहा है, प्रदूषण से रहित, तो ये से जो है वो इसमें अलग होने का भाव हो रहा है, तो यहाँ पे से विभक्ति है जो इसका लोप हो रहा है। आगे देखिए संबंध तत्पुरुष समास, तो संबंध तत्पुरुष समास में का के की विभक्ति का लोप होता है, जैसे राजपुत्र, तो इसमें राजा का पुत्र विग्रह करने पर आता है राजा का पुत्र, तो इसमें का जब लोप होता है तो ये हो गया राजपुत्र। देशवासियों, देश के वासियों, तो यहाँ पे भी के विभक्ति का लोप हो गया, तो ये हो गया देशवासियों। मातृभक्ति, माता की भक्ति, तो यहाँ पर भी की विभक्ति का लोप हो गया, तो ये संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास, इस समास में और पर विभक्ति का लोप होता है। समस्त पद में हम इसमें देखेंगे घुड़सवार, घुड़सवार का जब हम विग्रह करेंगे तो घोड़े पर सवार, तो इसमें जो पर है वो विभक्ति का, इसमें पर विभक्ति का लोप हो रहा है। अब आगे देखिए ध्यान मग्न, यानी ध्यान में मग्न, इसमें जो है वो में विभक्ति का इसमें लोप हुआ है, तो ये समस्त पद बन गया ध्यान मग्न। पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम, विग्रह करने पर पुरुषों में उत्तम, तो यहाँ पे इनमें में जो विभक्ति है इसमें लोप हो गया, तो ये अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अब आगे देखेंगे हम द्विगु समास के बारे में जानेंगे। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और तथा समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध कराता है, तो इसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे नवरत्न, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसको बोलेंगे नौ रत्नों का समूह है, तो इसमें जो नौ है वो पूर्व पद है संख्यावाची और बाकी समस्त पद है एक विशेष का बोध हो रहा है, यानी रत्नों का समूह, तो ये एक विशेष का बोध हो रहा है और पहला पूर्व पद संख्यावाची है, चौराहा चार रातों का समूह है, तो इसमें चार है यानी पूर्व पद संख्यावाची है। त्रिभुवन तीन भुवनों, यानी तीन लोकों, तो इसमें भी जो है ये संख्यावाची पूर्व पद है और बाकी जो है वो विशेष का बोध हो रहा है। आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में न पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान हो, अपितु समस्त पद के रूप में अन्य पद की ही प्रधानता हो, वहाँ बहुव्रीहि होता है। इसमें विग्रह के अंत में वाला, जिसके, जिसका इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे इसको भी हम उदाहरण की जैसे समझेंगे, दशानंद, दस है सिर जिसके, तो इसमें अंत में क्या आ रहा है, जिसके, यानी दस है सिर जिसके, कौन हुआ, रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अब इसके अंत में आ रहा है वाला, यानी कि विष्णु। नीलकंठ,
नीला है गला जिसका, यहाँ पे भी जिसका आ रहा है, तो ये है शिव, यानी नीला है गला जिसका कौन है? शिव। तो ये तीनों बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। आगे देखेंगे हम कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो बच्चों, कर्मधारय समास के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास और दूसरा होता है उपमान उपमेय कर्मधारय समास। तो इसको भी हम देखते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, हमने पहले वीडियो में समझ लिया है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, जैसे नीला, तो नीला क्या है? विशेषण। और आसमान विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो बच्चों, विशेषण और विशेष्य हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इनके हम एक एक करके हम इसको समझेंगे। जैसे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, तो इस समास में है जो शब्द का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद है पुरुषोत्तम, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो पुरुषों में है जो उत्तम, तो देखिए यहाँ पर है जो उसका लोप हो रहा है, तो पुरुषोत्तम। पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो यहाँ पर है जो उसका लोप हो रहा है, यानी पीतांबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। अब देखिए इन तीनों में है जो विभक्ति का लोप हो रहा है। आगे हम देखते हैं उपमेय उपमान कर्मधारय समास। तो इसमें देखिए मृगलोचन, तो मृगलोचन का जब हम विग्रह करेंगे तो हिरण के समान आँख, नरसिंह नर के समान सिंह, संसार संसार रूपी समान। तो यहाँ पे देखिए के समान और रूपी विभक्ति का लोप हो रहा है। तो ये उपमेय उपमान कर्म समास का कर्मधारय समास के उदाहरण है। आगे देखते हैं हम द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं और समस्त पद का विग्रह करने पर योजक चिन्ह, यानी बीच में योजक चिन्ह के स्थान पर और तथा या एवं इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे यहाँ पे भला बुरा, भला बुरा के बीच में यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है भला बुरा, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें भला और बुरा, माता पिता, देखिए इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है माता पिता, यानी माता और पिता। लाभ अलाभ, तो लाभ और अलाभ, अलाभ यानी हानि। तो बच्चों इसमें और जो है वो विभक्ति का इसमें लोप हो रहा है। तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। आगे देखते हैं अव्ययी भाव समास। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है जो उत्तर पद के साथ मिलकर उसे भी अव्यय बना देता है, यानी कि इसमें पहला पद तो अव्यय होता है और उत्तर पद के साथ मिलकर उसे भी अव्यय बना देता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं प्रतिदिन, यानी इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है प्रतिदिन, तो इसमें जब हम करेंगे प्रति जमा दिन, यथाशक्ति यथा जमा शक्ति, रातों रात रात जमा रात। तो यहाँ पे पूर्व पद तो अव्यय है ही और उत्तर पद के साथ भी मिलकर इसको अव्ययी बना देता है, यानी जो शब्द स्त्री या पुरुष के साथ प्रयुक्त किए जा सके वह अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो बच्चों, ये हमने आज समास का चैप्टर पूरा समझा और जाना इसके बारे में। अब आपको हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।